24 वोल्ट सोलर पैनल से बिना चार्ज कंट्रोलर के 12 वोल्ट इन्वर्टर को कैसे चलाएंगे और 24 वोल्ट बैटरी को कैसे चार्ज करेंगे बिना चार्ज कंट्रोलर के। दोस्तों, ये सोलर पैनल 1.5 किलोवाट का सेटअप है, तो हमारे कंज्यूमर को कहीं से मिल गया सस्ते दामों में। सेटअप तो लग गया और दो बैटरी भी इन्होंने खरीद ली, लेकिन इनके पास इतना बजट नहीं है कि ये सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीद सकें अभी फ़िलहाल, और ना ही सोलर इन्वर्टर भी ख़रीदा जा सकता है। तो उन्होंने हमें बुलाया और इसका कनेक्शन करने के लिए बताया कैसे चालू करना है फ़िलहाल कुछ महीनों के लिए, तो उस हिसाब से इसका कनेक्शन हम लोग करने के लिए आए। पास एक नॉर्मल इन्वर्टर है तो उसे हम इस पर इंस्टॉल करेंगे और फिर चलाएंगे इसका लोड। फिर इनका जब बजट होगा तब ये सोलर इन्वर्टर खरीदेंगे, फिर इसे आसानी से चलाएंगे। फिलहाल हम इसके कनेक्शन करते हैं, ये सिस्टम चालू करते हैं। हमने सोलर पैनल के सभी कनेक्शन पैरेलल किए हैं और इसके बाद यहाँ से हमने दो वायर प्लस माइनस के निकाले और फिर इनको हम लेके सोलर सिस्टम जहाँ पर हमने बनाया है पूरा सेटअप वहाँ पे लेके गए हैं। तो ये रहा UPS और ये रहा चेंजवर और ये रही दोनों बैटरी भी दो नहीं है सिर्फ यहाँ पे नहीं है, तो 24 वोल्ट का इन्वर्टर सोलर और ना ही सोलर चार्ज कंट्रोलर। यहाँ पे अब हम 24 वोल्ट के सिस्टम को 12 वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसी कनेक्शन को हम दिखाते हैं आप लोगों को। सबसे पहले दोनों बैटरी के कनेक्शन को हम इस चेंजवर के अंदर लेके आएंगे, प्लस माइनस दोनों बाकायदा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस तरफ प्लस दे रहे हैं किस तरफ माइनस दे रहे हैं, उसी हिसाब से सारा कनेक्शन होगा। तो हम दोनों बैटरियों के कनेक्शन पहले हम चेंजवर में लेके आएंगे, एक बैटरी का ये कनेक्शन एक बैटरी का ऊपर में कनेक्शन देंगे और इस UPS का कनेक्शन फिर चेंजवर के आउटपुट पोल में कनेक्शन कर देंगे। UPS के कनेक्शन हैं, इनको भी प्लस माइनस के हिसाब से ही ध्यान रखना पड़ता है। और ये रही बैटरी की सीरीज, दोनों बैटरियों को हमने इस वायर से कनेक्ट कर दिया है, इधर माइनस और उधर प्लस, दूसरी बैटरी का प्लस इधर माइनस, तो दोनों बैटरी हमारी 24 वोल्ट में कन्वर्ट हो गई है। सीरीज बना देंगे बैटरी का, तो ये हमारी सीरीज हो जाएगी 24 वोल्ट की, तो हमारा सोलर पैनल जो सपोर्ट करेगा 24 वोल्ट बैटरी पर। अब 12 वोल्ट का इन्वर्टर है और यहाँ से हम अपने मन मुताबिक कौन सी बैटरी कितनी चार्ज हुई है उस हिसाब से हम इसको चेंजवर की मदद से चालू करेंगे, तो हमारी बैटरी भी चार्ज होती रहेगी और हमारा सिस्टम भी चालू हो जाएगा। इस चेंजवर में तीन कनेक्शन हैं, दो बैटरी के और एक इन्वर्टर का। तो ये वाला नीचे से जो निकालें ये वाले वायर ये एक बैटरी के हैं और दूसरे वाले एक बैटरी के, ये हैं सोलर। ये हमने सीधा बैटरी पे कनेक्ट कर दिया है से जो लाइन आ रही है मोटी ये, और यहाँ पे इस तरीके से कनेक्शन किए गए हैं बाकायदा प्लस माइनस को ध्यान में रख के कनेक्शन सारे किए गए हैं। ज़रा सा भी कनेक्शन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों के सामने इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो इस तरीके का कनेक्शन करके सिस्टम को चालू किया जा सकता है। कनेक्शन कर दिए हैं, फिलहाल ये चलेगा जब तक इनका बजट नहीं होता है। बजट आ जाएगा तो ये या तो चार्ज कंट्रोलर लेंगे या सोलर इन्वर्टर लेंगे। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से जख्म को नासूर कर देता है। तो दोस्तों, कनेक्शन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।